हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम। जैसा कि हमको आज की डेट में पता है, हम लोगों को मोस्टली क्या है, मूवियों के बारे में ज़्यादा पता लग गया है। हम लोग जो है ओपन हो चुके हैं हर चीज़ को लेके। आज का टाइम वो है, लेकिन अगर मैं उस टाइम की बात करूँ जब लोग कहीं दो लड़के और लड़कियों को गला गले मिलता हुआ भी देखते थे, तो उनको लगता था कि यार ये कुछ अजीब हो रहा है, या फिर वो चैनल बदल देते थे, या फिर वो बात बदल देते थे, या फिर वहाँ से साइड में होके चले जाते थे अगर किसी को फेस टू फेस भी देख लेते थे तो। एक फिल्म ऐसी आई थी लगभग 1933 के आसपास, जिसमें हिमांशु रॉय और देविका रानी दिखी थी। ये दोनों रियल लाइफ में हस्बैंड और वाइफ थे, और इन्होंने जो है बॉम्बे टॉकीज करके एक प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया था। बताया जाता है कि बॉम्बे टॉकीज ने ही पहली बार जो है 1 करोड़ की फिल्म दी थी, जिसने कि जिसका नाम अछूत कन्या है, और उसका जो कलेक्शन था वो 1 करोड़ के आसपास गया था। वो पहली सुपरहिट मूवी थी उस टाइम की, वो बताया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, एक मूवी आई थी 1933 में, कर्मा। अब हम अगर आज की डेट में हम बात करें कि अगर हम किसिंग सीन की बात करें तो हम किसको लेंगे, इमरान हाशमी सर को लेंगे, या फिर हम एक तरीके से अपना ईशा गुप्ता को लेंगे, या बिपाशा बसु को लेंगे, या फिर और भी कोई आउटसाइड जो एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं उनको लेंगे। तो ये जो है आज की डेट में जो प्रचार है वो आम हो गया, लेकिन एक टाइम वो था जब चैनल बदल जाते थे, जज्बात बदल जाते थे, हालात बदल जाते थे, बातें बदल जाती थी। उस टाइम पे एक मूवी आई जिसका नाम है कर्मा, इसको रिलीज किया गया। रियल हस्बैंड और वाइफ थे दोनों इस मूवी के अंदर, जो लीड कास्ट थी उनकी। लेकिन भैया इनका एक किसिंग सीन था जो लगभग लगभग 4 मिनट के आसपास का था, ये लिप लॉक इन्होंने 4 मिनट तक किया। ये मूवी जब थिएटर में आई, आलम ये हुआ ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और इस को ठुकरा दिया, इस मूवी को नकार दिया। उन्होंने बोला वाहियात फिल्म है, ये है वो है। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन अगर हम बात करें तो ये उस मूवी ने उस टाइम पे इतिहास रचा था। ये एक पहली ऐसी मूवी थी जिसने इतना बड़ा लंबा किसिंग सीन दिया था, और उसके बाद में एक अछूत कन्या फिल्म आई थी इसकी, इसी प्रोडक्शन हाउस ने उसको जो है प्रोड्यूस वगैरह किया था, और देखा जाए तो उसने फिर जो है काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी किया था। कभी कभी ऐसे कांड होते रहते हैं मुंबई के अंदर। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।